तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान की जीके को लेकर के। फ्रेंड्स, हम जो टॉपिक्स पढ़ते हुए आते हैं जैसे कि राजस्थान का एकीकरण हो गया, तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ईजी होते हैं, और जब अपन MCQ वाली जो बुक्स होती है जब अपन उसमें क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको भी ऐसे ही मिलते होंगे जो या तो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार आपके साथ रिपीट होते हैं। और वो जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स वो ज़्यादातर ईजी क्वेश्चन होते हैं। उनमें से अगर बात करें तो 85 क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो वापस रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के एकीकरण से लेकर के कुछ ऐसे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स जो आपको इजी नहीं लगेंगे। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर इजी नहीं है तो टप तो अपन कहीं से ही बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये उन्हीं टॉपिक्स में से है जहाँ से आपने पढ़ा है, जैसे कि RBSE बुक्स में से, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं फ्रेंड्स और एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। अब देखते हैं कि इन क्वेश्चन में से आप कितने कर पाते हो। आज आपका पता लग जाएगा फ्रेंड्स कि राजस्थान का एकीकरण जो है फ्रेंड्स वो आपने कितना डेप्थ में पढ़ा हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि ये मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब ये देखना है फ्रेंड्स कि राजस्थान का एकीकरण से जो ये 12 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इनमें से कितना कर पाते हो। अगर आपने इनमें से 5 या 6 क्वेश्चंस भी सही कर दिए फ्रेंड्स तो आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर स्वशासन का अधिकार करके मतलब भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था। मतलब जब ये भरतपुर जो रियासत है फ्रेंड्स, ये एक ऐसी रियासत थी जो कि जो सिग्नेचर करने से सबसे पीछे रही थी और ये विलीन नहीं होना चाहती थी राजस्थान के एकीकरण में। तो 14 फरवरी 1948 को ये दिल्ली में जाकर के कुछ सुझाव के लिए वहाँ पर भेजा गया था। तो वहाँ पर किस प्रशासक को नियुक्त किया गया था। पहला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है VP मेनन, दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शोभा राम, तीसरा है उदयभान सिंह, अगला है SN सप्रू। ठीक है, तो अब आपको बताना कि 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 SN सप्रू। इस क्वेश्चन का सही आंसर यह होगा जो कि फ्रेंड्स JN की जो भर्ती होती है फ्रेंड्स 2022 में जो पेपर हुआ, 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अपन बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको अगर अपन व्याख्या करें तो आप यहाँ पर देखो कि भरतपुर के महाराजा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है फ्रेंड्स कि किस रियासत के महाराजा ने 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। अतः उन्हें दिल्ली बुलाकर सुझाव दिया गया कि भरतपुर प्रशासन भारत सरकार के अधीन कर दे। 14 फरवरी 1948 को राय बहादुर सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर राज्य के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और SN सप्रू को भारत राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत बाद में भरतपुर के शासक को आयोग ने मतलब जो आयोग है उसने क्या कर दिया था, मुक्त कर दिया था, आरोप मुक्त कर दिया था। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स कि मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। जो मत्स्य संघ था फ्रेंड्स उसका जो प्रशासन था उसको चलाने के लिए जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें से कौन शामिल नहीं था। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, मास्टर भोलानाथ, उसके बाद डॉक्टर मंगल सिंह, चिरंजी लाल शर्मा या रमेश कुमार। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप अपना आंसर है वो कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहने वाला है फ्रेंड्स वो है रमेश कुमार। जी हाँ फ्रेंड्स, रमेश कुमार ही वो थे जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। अगर इस क्वेश्चन की अपन व्याख्या करें फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मत्स्य संघ के शोभा राम कुमाऊत के मंत्रिमंडल जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो मंत्रिमंडल ने जुगल किशोर चतुर्वेदी जिसे अपन राजस्थान का जो जवाहर राजस्थान का नेहरू कहते हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी ये मेन थे। उसके बाद में मास्टर भोलानाथ जो अलवर से थे, गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह ये धौलपुर से थे, और चिरंजी लाल शर्मा फ्रेंड्स ये करौली से। तो ये सभी उसके सदस्य थे, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 में था वो उसका सदस्य नहीं था। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें फ्रेंड्स कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे। तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है फ्रेंड्स कि पहले आप अपना आंसर बता दीजिए फिर मैं आपको इसकी व्याख्या बताता हूँ। तो क्या आपका आंसर 1947 होगा या 1948 होगा, 1949 होगा या 1956 होगा, प्रमुख बना दिया गया था। नेक्स्ट की अगर अपन इसकी बात करें आगे कि शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं, इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। तो फ्रेंड्स आपको इसका जवाब देना है 4 सदस्य थे, 3 सदस्य थे, 2 सदस्य थे या फिर यहाँ पर 5 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 2000
17 में। तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 सदस्य थे उसमें, मतलब जब शंकर राव देसी समिति बनी थी धौलपुर और भरतपुर की, क्योंकि ये दोनों रियासतें फ्रेंड्स राजस्थान में विलीन ना होकर के इधर यूपी में विलीन होना चाहती थी, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी शंकर राव देव समिति। आपको मैं यहाँ पर बता दूं जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन से थे इसकी अपन बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था सत्य राव देव समिति, उस कमेटी के कौन सम्मिलित नहीं था। अब यहाँ पर क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पर पूछा गया है उसी टॉपिक से, लेकिन उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था, तो आप देखो डॉक्टर शंकर राव देव तो ये तो होगा ही सही, उसके बाद में आर के सिद्धवा, प्रभु दयाल और एम एस जैन। क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है फ्रेंड्स, और अगर पता है तो ईमानदारी से आप कमेंट करिए और आपको आपका जो आंसर है उसको अलग से सेव कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर रहेगा एम एस जैन, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो रहेगा ये उस सदस्य उनका सदस्य नहीं था, इसकी व्याख्या अगर आप नाम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि पंचम चरण के अंतर्गत एक जटिल समस्या ये थी कि अलवर और करौली राजस्थान में मिले, जबकि धौलपुर मतलब अलवर करौली तो हो गए थे, लेकिन धौलपुर और भरतपुर रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी, तो जिससे समाधान है तो शंकर राव देव समिति के दो सदस्य। अब यहाँ पर दो सदस्य है मतलब अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य है, प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा, ठीक है। मैं एक समिति गठित हुई शंकर राव देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में मिला दिया गया, तो टोटल सदस्य कितने थे फ्रेंड्स, वो थे 2+1 3 सदस्य। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है। अगली अपन बात करें कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप कर दिया, मतलब राजप्रमुख का पत्ता वो हटा करके, आपको पता है वो हटा करके उसकी जगह पर जो नया तो पत्ता फ्रेंड्स गुरुमुख सिहाल गुरुमुख निक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स अपन, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप किया था, मतलब उसको हटा दिया था, उसकी जगह पर राज्यपाल जो नया पद था फ्रेंड्स वो आ गया था, तो वो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो अगर आपने पढ़ा है फ्रेंड्स तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि 6ठा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन या 9वां संविधान संशोधन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो अगर आपका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 तो आपका आंसर एकदम सही है, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम ही था जिसमें राजप्रमुख का जो पत्ता उसको हटा करके राज्यपाल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं फ्रेंड्स कि किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन सब चारों में से कौन मेन था, मतलब जो कौन अध्यक्ष था जिन्होंने एक समिति बनाई थी, उस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही जो आबू और देलवाड़ा है उसको राजस्थान में मिलाया गया था, तो वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे फ्रेंड्स कि फजल अली, गोकुल भाई भट्ट, गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स कि आपको पता है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा फजल अली। अब इसकी व्याख्या आप यहाँ पर आगे देख सकते हो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील के सुनील टप्पा राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया था, तथा झालावाड़ का जो सिरोज क्षेत्र था फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश में मिला दिया था, मतलब झालावाड़ का जो सिरोज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया था, और सुनील टप्पा जो कि MP का था फ्रेंड्स वो टप्पा खा करके यूँ समझ लो आप राजस्थान में आ गया था, और फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से यह भी बन सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो फजल अली ही उसका आंसर होगा, और कब किया गया था 1952, ठीक है। राज्य पुनर्गठन जो कि एकीकरण था उसमें बहुत किरदार निभाया था इन्होंने, उसके बाद आप देखिए कि इसकी रिपोर्ट ने 1956 में दी थी, और 1 नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया था। इस आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य हगनाथ किरंजन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें फ्रेंड्स कि 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन जिसकी शॉर्ट फॉर्म AISPC किस स्थान पर आयोजित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों और राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है को ही स्वतंत्रता और संघीय भारत में स्वतंत्रता इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। तो ये जो संघ था फ्रेंड्स ये कहाँ पर किस स्थान पर बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स या उदयपुर होगा, जयपुर होगा, बीकानेर होगा या जोधपुर होगा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा उदयपुर। अगर आपको ये क्वेश्चन पता नहीं था तो आपको अब पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें फ्रेंड्स, नव राजस्थान में एकीकरण में राजस्थान के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे, तो राजस्थान के किरण में राजधानी का जो मूल्यता मतलब मुद्दा था फ्रेंड्स उसको मतलब राजधानी किसको बनाया जाए, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी सत्यनारायण देव समिति। तो आप वहाँ पर यह देखने कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो BP मेनन थे, शंकर राव देव थे या BR पटेल थे या ले कर्नल TC पुरी थे। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि उसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे BR पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, इसी क्वेश्चन में अगर आप इसकी व्याख्या की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1949 में सरदार पटेल ने राजधानी के मुद्दे को हल करने की एक समिति बनाई थी, मतलब ये जो राजधानी मतलब किसको राजधानी बनाया जाए ये जो कार्यभार था ये सरदार पटेल को दिया गया था, और 1949 में एक समिति बनाई जिसमें तत्कालीन पेप्सू के
मतलब तत्कालीन फैसलों के मुख्य सचिव बी आर पटेल, सचिव या अध्यक्ष दोनों एक ही बात है फ्रेंड्स, बी आर पटेल ले कर्नल, मतलब ये और अलग सहयोगी थे लेकिन जो अधिकारी थे जो उनके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो बी आर पटेल थे, ले कर्नल एच सी पुरी और एच पी सिन्हा सदस्य थे। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की क्या करी फ्रेंड्स, सिफारिशें करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अजमेर था वो एक अलग से राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था और उसकी एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसकी उसकी अलग से खुद की विधानसभा थी। अब उस विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपको बताना है कि वो जो सदस्य संख्या थी वो 28 थी, 26 थी, 30 थी या 32 थी। तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं जो जेल प्रहरी का पेपर है फ्रेंड्स 2018 का, उसमें पूछा गया है, बिल्कुल कम लेवल का पेपर आता है लेकिन उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको बताना है कि उसमें सदस्य संख्या कितनी थी। तो मैं आपको बता दूं कि सदस्य संख्या थी ऑप्शन नंबर 3, 30 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, इसी के पहले आप व्याख्या देख लीजिए कि राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहां पृथक विधानसभा थी जिसे धारासभा कहते थे और 30 सदस्य थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा राज्य में विलय हो जाने पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 190 की, मतलब टोटल राजस्थान की जो विधानसभा सदस्य थे वह 190 हो गई थी। और बी श्रेणी का राज्य था अजमेर, हालांकि राजस्थान भी बी श्रेणी में आता था फ्रेंड्स, जिसे अपन ख भी कहते हैं, ख श्रेणी और बी श्रेणी बात एक ही है। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभा उपाध्याय, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें फ्रेंड्स कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, तो कुल कितना समय लगा था तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन शायद आपके सामने आया होगा, ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो पूरे 7 चरण थे उस 7 चरणों को जो टोटल टाइम लगा था फ्रेंड्स 8, 7, 14, ऐसे याद रखिए आप 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन से ये अच्छे लगे होंगे, हो सकते हैं आपको सारे क्वेश्चन आ गए हो सके आपको 4-5 क्वेश्चन ही आए हो। तो अब आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अगर आपको एक बार इस वीडियो को और देख लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद आई है वाकई में तो इसको लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा इसको सपोर्ट मिलेगा मैं इस टाइप के और क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।